दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय छः। दानियल अध्याय छः। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि ये उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराऊंगा। तब अध्यक्ष और अधिपति दानियल के विरुद्ध राज्य कार्य के विषय में दोष ढूंढने लगे, परंतु वह तो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, इसलिए वे ऐसा कोई अपराध व दोष पा न सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य से व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटकल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब राजा दारा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कठोरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया, सो वे राजा के पास जाकर उसकी आज्ञा पत्र के विषय में उससे कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई मुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटकल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती क्या करता है? यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हो गया और दानियल के बचाव के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, तू जान रख कि मादियों और फरिसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया
और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और नींद भी उसको नहीं आई। भोर को वह फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहने लगा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरी भी मैंने कुछ हानि नहीं की। तब राजा ने दानियल के विषय में बहुत आनंदित होकर उसको गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी और दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उसमें हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे में की पेंदी तक न पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा कि तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंह से बचाया है वह बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल, दारा और कुश्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा।